नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। कपिल शर्मा एक ऐसा नाम जो मुरझाए हुए चेहरों को खिला देता है। नाम ही कपिल का काफी है लोगों को हंसाने के लिए। और अब लंबे वक्त के बाद कपिल शर्मा फिर से छोटे पर्दे पर वापसी करने वाले हैं और हाल ही में कपिल के नए शो का टीजर भी रिलीज हो गया है जो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे जानती हूँ कि उन्हें कपिल के कमबैक शो का टीज़र कैसा लगा। कपिल के शो का टीज़र आ गया है और जितनी उत्सुकता पहले कपिल के शो की रहती थी शायद उतनी नहीं रही है अभी, लेकिन फिर भी बड़ा ही इमोशनल सा मैसेज है और शायद कपिल को ज़रूरत भी है इमोशनल जो लोग उसके शो को लेकर थे उनको दोबारा वापस लाने की। हंसाने की बातें हैं, देखते हैं कि कितना हंसा पाएंगे। हालांकि कपिल शर्मा को ये रियलाइज़ ज़रूर हो गया होगा कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पर ला सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा घमंड में या फिर ऊपर उड़ने लग जाते हो। तो अब देखते हैं शो कैसा होगा। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम टीवी पे देखें तो कपिल से बड़ा कोई सितारा नहीं है हंसाने में, और उम्मीद करते हैं और दुआएँ करते हैं कपिल के लिए कि उनकी शादी भी है और शादी का लक भी उनको मिले, नए शो में भी उनकी कामयाबी मिले और दोबारा से वो वही सब दिखा पाएँ हमें जो हम पहले देखते थे और खुश होते थे। तो कपिल के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और बस ये चाहते हैं कि उनका शो सक्सेसफुल हो। और टीज़र अच्छा है, इमोशन के साथ जुड़ा हुआ टीज़र है, देखेंगे कि शो कैसा होगा। कपिल के शो का टीज़र देखा, बहुत अच्छा लगा। अब कपिल शर्मा को इतने लंबे समय बाद देखकर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उम्मीद लग रही है कि नया साल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नए साल के मौके पर ही लग रहा है कि शो शुरू होगा और फिर से लग रहा है कि कपिल शर्मा हंसाने के लिए आने वाले हैं। बहुत अच्छा टीज़र था, काफ़ी इमोशनल टीज़र था और बताया गया कि एक ही तो शो था जो पूरे इंडिया को हंसाता था। जी हाँ, वाकई कपिल शर्मा में वो बात थी जो पूरे इंडिया को हंसा देती थी। उनका शो सबसे अच्छा था, पूरा हमारा परिवार भी पूरा बैठ के देखता था। और एक बार फिर से जब वो छोटे पर्दे से चले गए थे, सभी को इंतज़ार था कि कपिल की वापसी अब कब होगी। अब वो खैर ठीक हो गए और फिर से वापसी करेंगे तो हंसने के लिए हम सब तैयार हो जाएं एक बार फिर से। टीज़र बहुत अच्छा है और शो का इंतज़ार है। बड़े बेआबरू होकर कपिल शर्मा टीवी से रुखसत हुए थे, लेकिन उतनी ही इज्जत के साथ अब लग रही है कि उनकी वापसी होने वाली। उनका जो टीज़र है उसमें बहुत ही अच्छा इमोशंस का इस्तेमाल किया गया, पूरे देश को जोड़ने वाली बात की गई है, एक फैमिली को इस्तेमाल किया गया है, ऑफिस के अंदर के माहौल को इस्तेमाल किया गया है। और कपिल शर्मा के कॉमेडी में ये बात थी और हम ये कह सकते हैं कि टीवी पर उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं जो लगातार घंटे दो घंटे तक आपको हंसा सके। और जब भी सोनी पर उनका एपिसोड रिपीट भी होता था तब भी लोग उसे लगातार बैठ के देख रहे होते थे, आप मोबाइल पर उसे देख रहे होते थे। तो इस पूरे टीजर में कहीं कपिल का कोई वन लाइनर तो नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि कपिल की वापसी बहुत धमाकेदार होने वाली है और हम उसका इंतजार करेंगे। कपिल शर्मा का जो टीज़र आया है बहुत ही अमेजिंग है। बहुत टाइम बाद हम लोग कपिल शर्मा को ऐसे देख रहे हैं। कपिल शर्मा का शो एक ऐसा शो होता था, वाकई वो फैमिली के साथ देखने लायक होता था और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होता था। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के वक्त में, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के टाइम में उनकी जब हम लोग शो देखते हैं तो वाकई बहुत अच्छा फील होता है। और इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात यह है कि कपिल शर्मा की शादी हो रही है, उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अगले साल उनका जो है वो शो लॉन्च होगा, मतलब न्यू ईयर पर। तो मिलाकर ये टीज़र जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और कहीं ना कहीं जो बात कहना चाह रहे हैं वो चीज़ उसमें क्लियर दिख रही है कि वाकई वो एक बार फिर से आ रहे हैं और बहुत टाइम से वो स्ट्रगल भी कर रहे थे, तो उनके लिए ये शो इम्पोर्टेंट है, खासकर उनका इसके सॉरी यार। मतलब वो बात बिल्कुल सही है कि जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया उसे हंस के बिता, और इस बार कपिल शर्मा के साथ भी अगर फिर से हंस के बिताएंगे। मतलब टीज़र देख के वाकई ऐसा लगा है कि कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोली गई है। वो हर एक सीन, चाहे वो हॉस्पिटल के मरीज़ का दिखा रहे हों, चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो नौकरानी हो, सब एक साथ मिल के हंस रहे हैं। ये वाकई एकदम सच बात थी कि कपिल का वो जो शो था सबको एक साथ बैठा कर एक दो घंटे तक हंसाता था। और खुशी की बात यह है कि कपिल शर्मा साहब एक बार फिर से कम बैक कर रहे हैं, पूरी तरीके से रिकवर होके आ रहे हैं, शादी भी करने वाले हैं, तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की उन्होंने अगर सोची है तो जाहिर सी बात है एक बार पुराना वाला कपिल हमें वापस मिलने वाला है। टीज़र बहुत अच्छा लगा इस शो का। फिर वाकई में यहाँ पर मौजूद लोगों को कपिल के शो का टीज़र बेहद शानदार लगा और वाकई में कपिल का जो ये शो है उसका जो टीज़र है वो काफ़ी इमोशनल है, इमोशनल टच देता है और काफ़ी ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है जो रियलिस्टिक है। क्योंकि जब कपिल का शो आता था तो दर्शक उस शो से जुड़ते थे, यहाँ तक कि रिपीट टेलीकास्ट भी दर्शक देखना पसंद करते थे। और अब कपिल शर्मा शादी भी करने वाले हैं 12 दिसंबर को, तो मतलब ये उनके लिए डबल एक अच्छा सा गिफ्ट होने वाला है, उनके फैंस के लिए भी
किसी सौगात से कम नहीं है। ऐसे में मैं भी आपको यही कहूंगी कि आप जाइए, अगर आपने कपिल के शो का टीजर नहीं देखा तो आप जल्दी से देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये टीजर कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।